चलते हैं बच्चा, हमने पिछले क्लास में बेटा कूलम्स लॉ डिस्कस किया था और मैंने कहा था दो बॉडीज अगर वैक्यूम में है गामा क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, अगर किसी मीडियम में है तो गामा के बदले 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन एम लगेगा, याद हुआ, यानी कि फोर्स इज जिगर रिड्यूस के टाइम्स, याद है, एप्सिलॉन आर टाइम्स, याद है। फिर मैंने एक सवाल किया था, इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरे चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है फुली फिल्ड हो बाय सम मीडियम, बट इट कैन बी कि वो कहीं आधे पे पार्शियली फिल्ड हो सकता है। इन दैट केस व्हाट विल बी द मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ द कूलम्स लॉ? शाबाश, गामा क्यू वन क्यू टू आर माइनस टी प्लस टी, हाँ शाबाश, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। आई डिराइव दिस एक्सप्रेशन बट नॉट नाउ, जब हम इंशाल्लाह कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तब। अभी याद रखना कि अगर हमारे पास बेटा दो चार्जेस है से क्यू वन क्यू टू, इनके दरमियान का डिस्टेंस बेटा आर है और इस आर में किसी हद तक कोई मीडियम डाला गया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और उसकी थिकनेस टी, फिर सर्टेन एक्सप्रेशन चल रही है छह जगह सोच के साथ मॉडिफाई, सो ओस गामा क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, मगर अब नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब आर जो है वो पूरा था, है ना, वो वाली स्पेस थी जहां पर ओरिजिनल फोर्स था, लेकिन अब वो आर जो है बेटा कम हो गया है, क्यों, क्योंकि अब टी में कोई और मीडियम आ गया जिसका डायरेक्टर कॉन्स्टेंट के है, इस वाले का तो है के मतलब सुच समान एयर चुना वैक्यूम चुना, लेकिन चूंकि अब नई एक्सप्रेशन आने वाली है, दैट नई एक्सप्रेशन इज दिस गामा क्यू वन क्यू टू बाय आर माइनस टी प्लस टी रूट के होल स्क्वायर, क्लियर, अच्छा समझ गए, ओके। इसके बाद बेटा हमने शायद एक वेक्टर फॉर्म देखा था एंड वी फाइनली कंक्लूडेड दैट कूलम्स लॉ यू शुड गो फॉर यू शुड म्यूचुअल इंटरेक्शन, बोला कि नहीं, तो चलिए बेटा हेडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कूलम्स लॉ, characteristics of the Coulomb's law. Point number first. It is only valid for point charges. It is only valid for point charge. Point charge, right? I have said. Every such charge will be a point charge. जब उसका distance of influence कहीं से ज़्यादा होगा, or we can say it is valid for large distances. Point charge is true. मगर large, तेरी है. जब large distance है, तभी कोई charge point charge है. याद है ना? So लिखो. That is for large distances. Greater than one Fermi. For all the distances, बेटा जो 1 फर्मी से ज्यादा है, ठीक है, उन सब के लिए बेटा ये वैलिड। 8 फर्मी पूरा हो, ठीक है, ये दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इससे जो भी ज्यादा साइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे छोटा है ना, सो दिक्कत है, जो इससे ज्यादा डिस्टेंसेस है उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन भी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज एंड देयरफॉर कूलम्स लॉ इज वैलिड, क्लियर। अच्छा, पॉइंट नंबर सेकंड, It is a central force. क्या छू? मनोज जी नाम सेंट्रल फोर्स का अच्छा माना? It acts along the line joining the centers of the two bodies. That is, it acts along the line. It acts along the line joining the centers of the two bodies. ये देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव चीज इशू नेगेटिव, इनके दरमियान का डिस्टेंस आर है, तो क्या बोला जाएगा? नेगेटिव क्या पॉइंट पॉजिटिव वन मीनिंग मैंने समझ में, दिस वन दिस इज टू, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन ड्यू टू टू, वो तो यही होगा, ये लगे मिस फोर्स, मगर ये इन कोई डायरेक्शन नेगेटिव अस्ताम कब होगी? इट इज नॉट दैट इट विल फॉलो दिस पाथ टू बात योर, इट इज नॉट दैट बर्देशी चक्रस्पति एमएस मिस, नहीं, it will always follow that path which is along the line joining the centers of the two, yani ki ye aayega to body yahi se aayegi, theek hai ki nahi, ithe point jo negative pe lagne wala hai wo kya hai, force on second due to first, wo aise hai na, body aayegi along this line, therefore it is a
सेंट्रल फोर्स. अच्छा ठीक. नेक्स्ट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ. हाँ नेक्स्ट है, आप प्रीवियस लिख दो कोई बात. इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ. ठीक है उसको जनाब, ये थ्योरेटिकल फॉर्म में कभी नहीं दिया गया. इट हैज बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस. फाइन, एंड देन वी हैव कंक्लूडेड दैट भाई यही हो रहा है. आर क्यूब नहीं है, आर नहीं है, बट आर स्क्वायर ही है. ठीक छ, एक्सपेरिमेंटल. नेक्स्ट कुछ इज गया थ्री, एक्सपेरिमेंटल. चौथा बेटा, इट इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन. अच्छा है कि नहीं? वो क्या, उसका मतलब क्या है? एफ वन माइनस टाइम एफ टू. क्लियर है ना? इट इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन. ये हमने आप समझा म्यूचुअल इक्वल एंड ऑपोजिट. शाबाश. अगला बेटा, अगला, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस. कूलम्स इंटरेक्शन इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ. तो क्या मतलब हो, तलाया पर था नजर हजरत. फॉर एग्जाम्पल यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, बता मालिका इन दो के दरमियान एक फोर्स होगा ना. सपोज उस फोर्स का मैग्नीट्यूड F है. ठीक, वन क्या फोर में मैं हूं ब्याह चार्ज Q3, क्या हूं थो मिमन द मानस. बुझ मना तलब पूछा Q1 से Q2 दरमियान क्या होगा फोर्स. मैं ये देखता हूं कि फोर्स अभी भी F ही है, उसको कोई फर्क नहीं पैदा. क्यों? क्योंकि जो Q3 है वो इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरेक्शन. हाँ, Q1 को Q3 के साथ अपना रिश्ता बनेगा, Q3 को Q2 के साथ अपना रिश्ता बनेगा, लेकिन Q1 और Q2 के दरमियान जो था वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस Q3. हाँ, Q1 और Q3 के दरमियान जो है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज ऑफ दिस Q2. और जो Q3 और Q2 के दरमियान है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मतलब ये दोस्ती कि मैं देती हूं इसमें ज्यादा टाइम. इट इज दैट व्हाट आई शेयर विद यू, इट इज स्पेशल बिटवीन यू एंड मी ओनली. हाँ, तेरा कोई और दोस्त हो सकता है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बॉन्ड जो मेरे को इसके बगैर भी था, समझ रहा है? ये गई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. बात नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑनली वैलिड फॉर चार्जेस एट एग्जैक्टली वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट. इट इज वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट. अगला बेटा, जो ना पता मोशन में नहीं, टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. सुन ना, अगला पॉइंट, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. इट मे बी, शाबाश, अट्रैक्टिव और क्या, रिपल्सिव. हाँ, ये रिपल्सिव भी हो सकता है ना. लाइक चार्जेस का होता है रिपल्शन, अपोजिट का क्या होता है अट्रैक्शन. नेक्स्ट, कूलम्बिक इंट्रैक्शन गिव्स नेचर टू अ फोर्स विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर. विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर. कूलम्स इंट्रैक्शन गिव्स राइज, जानना बर्थ गिव्स राइज टू अ फोर्स. हाँ, विच इज एक जो कूलम्बिक फोर्स है ना बेटा, यह सा जो आ कंजर्वेटिव फोर्स. क्या छो तो ये हेक्वा वन कंजर्वेटिव फोर्स का छ वना वन कंजर्वेटिव का छ वना. हां, पढ़ा तो है जिने, ये इमादु पानस ये का बोलिस मोमेंटम हमेशा कंजर्व है. क्या रहता है दुनिया में, कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा एनर्जी हो या ना हो वो देखी जाएगी. जब कुछ नहीं आता होगा ना, पहली इक्वेशन जो लिखते होंगे ना वो हमेशा किसकी लिखनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, एंटी कोर टी एंड मोमेंटम कंजर्व रहता है. हां सच है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड उसको नहीं कहते. मानस जनाब, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग अलग जगह
उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब इसमें फोर्स है तो फोर्स फोर्स कंजर्व करता है, क्या मतलब वो मतलब जो नेट जो बिफोर मतलब कुल इंटरेक्शन से पहले वाला फोर्स इंटरेक्शन के बाद वाला फोर्स वो दोनों कंजर्व। चल देखते हैं व्हिच वाज मज शिवाई इन डाउट शासन क्या है मुझे माने मज क्या है तो इसे करते हो सॉल्व। बुर्ज खलीफा जाने का शौक किसको है क्या शिकस तो तमाशा तो जो शौक तो तुम्हारे पास में क्यों बोल रहे मकट और जाने का शौक है खाने का बस बिल के रिपे ऊपर तो इस शौक शुआ वाल वाल मकट और बनाओ मकट मकसद वजह से सऊदी अरेबिया कौत वजह सऊदी अरेबिया में जब तुम मक्का टावर पे पहुंची ये अच्छी गर्ल वाले के नाम खूबसूरत घंटा घंटा तो यार मक्का टावर आज इस बात की मक्का टावर में घंटा घर कहां से मायरा नजर आते हैं इसमें। अब यहां पहुंचने के तो बहुत सारे तरीके हैं मुशरा है ना वही बनानस हेरा कंक्रीट की सीढ़ियां है और तू यहां पर है क्योंकि तूने ब्लू पहना है खुश मैं कुछ खासू मगर मेरा एक स्टूडेंट है उसका नाम है सानिया तो साल कितनी मेहनत की एक साल बहुत अनहन है थोड़ा इंजीनियर अनहन बहुत बनावा लिफ्ट सिस्टम है खतरे ना शो तो पार्टनर थी वो लिफ्ट केबल से जुड़ा होता है ऊपर से आप ये बुशरा यहां से भी जा सकती है टेरिका है वो मगर आप स्टूडेंट ना मैं ये इसने क्यों बात कही अभी समझ आएगा अभी समझ आएगा मकसद बुशरा अब चलो कोई बात नहीं ग्रीन हो या ब्लू हो मेरे को चढ़ना है बुशरा मुझे बता बेटा जब तू मक्का टावर पे पहुंचेगी कितने रास्ते इख्तियार किए तू मुझे बता तेरा ताकत तेरी एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च कब हुई चमना पूछ रहा सब कर सब जब मैं बैम्बू स्टिक से ऊपर जाई छा तो शी बासन युधिक से एनर्जी खर्च कर रख जैसा शी घुबरा यथ वातिमान सारी खुद ज्यादा एनर्जी खर्च करें ती क्या मालिक खान तुमने ताकि जब तू ऊपर पहुंचे तो इसकी खिड़की से निकले और तू कूद जाए और खाने का मतलब तीन मुझे अल्लाह पहले वाले में तो आप कह रही थी यहां से फिर आपने क्यों बोला कूद जाओ तो गलत है तो फिर और कोई रास्ता हो सकता है ना इसके अलावा कोई तो नहीं 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 यही तीन है बहुत सही जगह देखो बेटा जब ये ऊपर चढ़ी ना वहां खुदकुशी खुदा बच्चे ने तेरी तेरे से मां काटा और शोक ठीक था पता है मालिका ने क्यों ये सीढ़ी दी थी सर रास्ता कोई भी हो एंड में तो खुदकुशी करेगी क्योंकि ये आंसर गलत बोलती रीजन ये है बेटा जो एनर्जी तू खर्च कर रही है तू किसके खिलाफ खर्च कर रही है पहले मुझे वो बता ग्रेविटी के खिलाफ ये छा कितना एमिशना ग्रेविटी बना और बोल खसक वाल बोन कौन चाहे या बोल खासी चाहे या बोल खासी चाहे इतने खासी तीनों रास्तों में बेटा इसने एनर्जी जो खर्चा किया है वो इसने खर्चा किया है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल बल वापस चलाओ ना तुझी कसम
फॉर एग्जाम्पल इस मक्का टावर की हाइट बेटा एच है, कितनी है? तुझी कसम, जब तू इसके टॉप पे पहुंचेगा तीनों रास्तों से व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट यू ओपनिंग एमजी पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आपने किया होगा वही बेटा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तू जब यहां पे था चाहे तूने ये वाला रास्ता इख्तियार किया, ये वाला रास्ता इख्तियार किया या ये वाला रास्ता इख्तियार किया, एट द एंड ऑफ द डे तूने इतनी ही एनर्जी ऑब्टेन की। करता कि ना गोवा ते जितनी काम छ हर बार हर तरफ करम गोवा ते ये मतलब ये चाहे तू कोई भी रास्ता इख्तियार कर। आपके बाबा बहुत अमीर है, उसने आपको हेलीकॉप्टर दे दिया, तूने वाल खास है नियर या पॉइंट वाल दूर, एट द एंड ऑफ द डे तूने गेन क्या किया? एमजीएच किया ना। देखा क्या, क्योंकि MGH हर किसी रास्ते से ऑब्टेन हो रहा है तो एनर्जी जो गेन हुई, जो वर्क आपने किया वो इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, वो डिपेंड उस पे करता है वो सुकायदत सुकोल वात मोनक मोनिसर सुशिया समझ रहा है। ऐसे फील्ड को बेटा कंजर्वेटिव फील्ड है, क्या सुना? कंजर्वेटिव फील्ड को सुफील्ड, जिसमें जब भी काम किया जाए ना वो सिर्फ उस पे डिपेंड करता है कि तू था किधर तू पहुंचा किधर। समझ गया तरह मसलन जून 11th रिजल्ट छू नबो आपका रिजल्ट आने वाला है, एट द एंड ऑफ द डे आपके मार्क्स आने वाले हैं। अच्छा अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, मैं अच्छे समझना, अगर तेरे मार्क्स अच्छे तेरे घर वाले क्या बोलेंगे? ए एमसोस में की इंतजाम एमसोस में वाया असल नंबर दी वरना क्या। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट कि तूने कितनी धरबदरी बीच में की, तेरा सक्सेस तेरे इस प्रोसेस को स्टेट फंक्शन बनाता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करवाता है। यू सिर्फ बना ये ओवर सजत कौन सा मेहनत कर ये को तो ओवर समझो तरह, लेकिन अल्लाह ना करे अगर रिजल्ट खराब आता है तेरी पाचना कर एक बना या चोसना हो और कसा मोबाइल फोन पर रोजना योजना कर तुम छना ओ चीजस आज वाज पर डिपेंड करना है। समझ जाएगा पहले यही चीज, अगर सक्सेस हो अगर आपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हो बेटा तो आपको बोला आपको ये कभी नहीं पूछा जाता कि चौकस वक्त वक्त कर वक्त कर इख्तियार है अंदाजा लग जाता है टेंथ में अचानक फर्स्ट पोजीशन हासिल करने में। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो टेंथ में ही ट्वेल्थ का एग्जाम देता है यार यहाँ कल खराब या उस ये था मगर मैं बोल ये कौन सी फंक्शन बन गई फर्स्ट और इनिशियल पे डिपेंडेंट इनिशियल फाइनल पे डिपेंडेंट ऐसी फंक्शन को बेटा क्या बोलते हैं? स्टैट फंक्शन। क्या बना यार जब भी बेटा आपका काम आपका डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन इनिशियल और क्या जिस काम को किया जा रहा है जिस फील्ड में किया जा रहा है उसे कंजर्वेटिव फील्ड किया जाए। क्या सुना? कंजर्वेटिव फील्ड को सुफील्ड काम ही ना कारण सो सिर्फ डिपेंडेंट ओवर सु वो तुख कपर वो तुख ना आप क्वेश्चन फर्क पेवान बैक एग्जाम्पल दिवन। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको अपने घर से मेरे घर तक आना है ठीक है पुशा अख वास पापन वत मैडम छु ना तुम मैडम या ठीक है बैक वत आप गाड़ी में आ गए हाँ इस वाले रास्ते में मैगडम डाल के है लेकिन दूसरा वाला रास्ता आपको पता नहीं क्या हो गया आपने एक और रास्ता इख्तियार किया जिसकी लेंथ बेटा सेम है ठीक। फॉर एग्जांपल इसकी तरह समझ अगर ये टोटल वॉच है ना ये वाला रास्ता जो था वो साफ करके था और ये वाला रास्ता जो था इसमें बम्प्स थे क्या थे बम्प्स थे आपको किसके घर आना है मेरे घर लेंथ दोनों के रास्तों की क्या है सेम तो मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं बेटा तू घर से मेरे घर आ गया ना कम कबल कर जाता शाबाश 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 सही जा रही हाँ काम खबर है जल सही जा रही है तू अब शाबाश बम्प्स होंगी क्यों क्योंकि इस वक्त काम किसके खिलाफ कर रहा है फ्रिक्शन के खिलाफ तो ये डिपेंड करेगा रास्ता कैसा था ना कि कट पर कोर उसका सुन तो यह समझ फ्रिक्शन फील इज अ नॉन कंजर्वेटिव अच्छा क्योंकि इस वक्त बेटा ये रास्ते पे डिपेंड करेगा तूने कौन सा रास्ता इख्तियार किया समझे तरह ऑल्दो द लेंथ वाज सेम ऑल्दो द लेंथ वाज वो विंकेस बचे खुदकुशी कर ली है तो मैंने वहां जो बोला था हमने तीन में एक सिंगल पहले क्या बोला था सच बता तो मैंने दूसरा बोला आपने बोला पहली बार ही देखना पहली बार ही गाड़ी शुरू होती है और आपने अभी कुछ नहीं कहा तो मैं कर नहीं एक सेकंड
असब बचाओ फिर से बोलो दुआ मगफिरत। अब ए से बी तक पहुंचने का रास्ता ये भी था लेकिन यहां से मैग्नेटाइज रोड था बेटा, यहां से बम्प्स थे, वी कॉल दैट बम्प मेजरिंग इंडेक्स स्टैटिक, इसकी वजह से आपको ये समझ आता है 27.8 रेज पर 1 बाय 2 की इक्वेशन होती है। छोड़ दें, कहने का मतलब ये कि यहां से एनर्जी बेटा ज्यादा खर्च होगी क्योंकि अपोलोस रफ या अपोलोस स्मूथ, तो हमें ये देखा यहां पर जो काम किया जा रहा है व्हिच वन शुड इन्वॉल्व में दरअसल किया ठीक है अगले भी बट पोटेंशियल का बात तो हो गई नहीं मत होगा, लेकिन बेटा जब यहां से यहां आना है अगर इजी रास्ते से आ रहा है तेल के से एनर्जी कम खर्च, पेट्रोल इसमें गाड़ी कम, लेकिन अगर रफ रोड है तेल के आगे से एनर्जी ज्यादा खर्च, वो एनर्जी गज ज्यादा खर्च कहने का मतलब खर्चा ज्यादा है, काम ज्यादा कर रहे हैं हम, जब काम ज्यादा कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड हो रहा है उस रास्ते पे, ये बोले ना पाथ डिपेंडेंट, तो पाथ डिपेंडेंट चीज जो होती है पाथ डिपेंडेंट वो डिपेंड करती है एक्चुअल रास्ता कौन सा इख्तियार किया तूने, वो हमेशा बेटा नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्या जो आसान एग्जाम्पल इसमें फ्रिक्शन छू न्यूक्लियर फोर्स छू विस्कस फोर्स छू सारी क्या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका ये कौन सा एन फील्ड था इस वक्त ग्रेविटेशन एक ही लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये क्या है कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि तीन फील्ड जिनमें डिपेंड करेगा किस पे इनिशियल और फाइनल, ठीक छा क्लियर छा तोरा समझ। एग्जाम्पल आप दे में लास्ट एग्जाम्पल अगर उनके सुनो देखिए तेरे को शिव बात खबर के माने मैं पर ए और बी ये तेरा का ये तू आई 90 फील्ड्स 90 फील्ड्स आई और तू आई डायरेक्ट ठीक है तेरा डिस्टेंस ज्यादा कहां से है क्यों क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड करता है कौन सा आ रहे रास्ता है क्या समझ रहा तेरा डिस्प्लेसमेंट ले अच्छा डिस्प्लेसमेंट से इनिशियल थे इरेस्पेक्टिव तूने इख्तियार क्या किया डिस्प्लेसमेंट हमेशा सिंगल वैल्यू है सुना लेकिन डिस्टेंस को देख ये भी हो सकता है वंगे वेश होकर पता यू और पद यू और ठीक है तो डिस्टेंस की बहुत वैल्यूज हो सकते हैं क्यों डिस्टेंस एक्चुअल रास्ते पे डिपेंड करती है आपने कौन सा मेन रास्ता चुना था चलने के लिए समझ रहे कि सो डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ क्लियर छा फिगर तोरा मन तोरा फिगर कंजर्वेटिव फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है बेस्ट एग्जांपल इसमें से मैं ग्रेविटेशन मन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या कंजर्वेटिव इसीलिए जब भी इसमें काम किया जाएगा वो उस पर डिपेंड नहीं करता कौन सा रास्ता वो डिपेंड इस पे करता है कि कहां से किधर समझ आ गया तू कहां था तू कहां पहुंच गया ठीक छा गैर कंजर्वेटिव फील्ड से क्लियर ठीक छा तले की तरीका उमा का जान डाउट आप पर खुदकुशी वाला डायलॉग हमेशा आ जाएगा शाबाश मकसद से याद रोज बाकी अगर तुम मुश्किल हुई अगर हम गश्ती कर के That is, whenever the work is done in such a field, it is independent. It is of. It is independent of kya? The path followed. ठीक छा? क्या क्लियर छा? ये रास्ते पे डिपेंड करता ही नहीं ये डिपेंड करता है एंड हेंस अ स्टैट फंक्शन हाउ इज इट एसटीएटी हंस सिलेक्टेड डेट आई थिंक या आप पे बेस भी शॉर्टेज पे में पॉज मान के समझ से आ आपने 11 में केमिस्ट्री पढ़ी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा वहां पर नहीं देखा हीट क्या पाथ फंक्शन टेम्परेचर क्या स्टैट फंक्शन पढ़ा है आपने बात वही है टेम्परेचर कूदा उसी कूदा गो किन का पॉइंट नहीं होता हीट कूदा दिस इज डिपेंड करता है फ्लेम दिस था गैस होता ब्रॉड थिंग क्या करो ठीक है एंट्रोपी कितनी थी एंट्रोपी कितनी हो गई स्टैट फंक्शन कितने बड़ा उससे एंट्रोपी डजंट मैटर आपने एक गंदा डायलॉग बोला आपने कोई मूवी चला दी उससे खराब हो गए बच्चे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले दर बदर समाज था अब ज्यादा हो गए एंट्रोपी इज अ स्टैट फंक्शन ठीक है ओके नाउ आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस थिंग हां अच्छा आप सीधा पे में यार कथन पे में यार अरे
मैं क्या अब जरा और बोलो हमने क्या एंड पे लिखा मुझे कुछ अभी याद आ गया नहीं यार आपको लगता है इतनी बात मुझे पता होगी मुझे कुछ और पता था कुछ दिमाग में आ गया था अभी काम तो यहां पर वही है अगर इसी को ग्रीन से लिखो तो फंस गया ना पाथ फंक्शन डिपेंड करता है कौन सी इंक समझ रहे ना फ्रिक्शन ना एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट बी एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट बस अगर मैं ये पद तगी तो तेरे अंदर कहीं से हजरत हजरत यह स्मूथ क्या छू और चूंकि झूला झूलना है किसी को या किसी को कुछ और किसी और चीज का शौक है तो कोई बंदा यहाँ पे हवा में मह ठीक है मगर सब हम मानते हैं दोनों को इधर आना है बताओ मह ऐसी जाएगी सब ऐसी जाएगी काम कौन ज्यादा करेगा मह ज्यादा काम करेगी है ना लेकिन माहिरा मुझे बता इस महर का रास्ता अगर रफ होता हाँ अब महर को दो कामें करनी थी अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रेविटी का काम दोनों का लेकिन एक्स्ट्रा काम जो मेहनत करेगी समझ क्लियर यह चीज तुझ अल्ट्रा लेजेंड्स मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे ऑन द बेसिस ऑन दिस नेचर ओनली कंजर्वेटिव है उस दिन ऑब्वियसली बहुत बातें की गई है पोटेंशियल के बारे में वो आप देखेंगे खबर ऐसा बहुत बनेगा हटिंग तो बेटा similarities and dissimilarities between gravitational field and electrostatic field so kya bol sakta hai kaise similarity hai yeah and electrostatic between gravitational and electrostatic Bushra kasam hai kya lagta hai kaun si jagah hai jahan par aisi hai jahan par ye beta dono similar hai shabash dono conservative acha bole apne dil both are conservative next ye bahut explain mush karo pata hai ha next inverse law Exactly. Both are following inverse square law. है कि नहीं? Inverse square law. गए बेस कर बता. खुद खुशी पहुँचने दे हमारे समय क्या कर? ठीक शाबाश. Inverse square law. हाँ. दोनों central force. Exactly. दोनों central है. Angelina Jolie भी मेरी तरफ आना चाहती है through that straight line. मैं भी उसकी तरफ जाना चाहता हूँ through that straight line. Charges का भी यही है. ठीक. Next. दोनों operate होते हैं vacuum. Exactly. दोनों vacuum की बात हो रही है. They can operate anywhere, but vacuum में दोनों operate करते हैं. So these are the points of similarities. अच्छा ठीक. Dissimilar क्या है? Gravity में सिर्फ attraction होती है जबकि पूछता है. Dissimilarity. पागल ना. Dissimilarity का point number first हाँ. मतलब gravitational. Gravitational जो सिर्फ वाला attraction. सुना माना? मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या माना रिपल्शन थे अट्रैक्शन थे सो यस ग्रेविटेशनल जो है वो बेटा सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब बात करते हैं वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव हो सकता है ठीक छा नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक वो स्ट्रॉन्गर होता है हाँ देखो ये मैं समझाना आपको चाहता हूँ जब हम बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं जनरली अगर इसमें चलो इसमें सिमिलर कॉन्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं, इनका मास है ना, इनके पास चार्ज भी है, तो इन दोनों के दरमियान दोनों चीजें अट्रैक्शन है ड्यू टू ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना। अच्छा बोलिए, हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास बेटा प्रोटॉन है। अगर मैं आपसे सवाल करूं सर व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, तो क्या आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल करोगे जी एम आर एम टू बाय, चलो डिस्टेंस फिक्स कर लेता है एक मीटर का, ऐसे समझ रहा करूं ना फिक्स, अगर मैं डिस्टेंस में फिक्स करी मैं क्या छुपा कर ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ क्या होता है जी एम एन एम टू बाय -1 square छुना ये वो तो ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन ये मत सच है कि सिर्फ ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है ना, जरा बता इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए q1 q2 चाहिए, वो तो पता है कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को था हां इनटू माइनस q1 q2 मिल गया, गामा का वैल्यू पता है, r भी 1 मीटर है, मैं इन्हीं के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक भी देखना चाहता हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कितना आएगा, हां 9 * 10 रेज पर 9 सो ना गामा Q1, Q2, गुना 1.602 into 10 raised power minus 19 का square divided by 1 square. जरा values बता जो दोनों के जरिए लोग। इसका आता है 1.61 किसका इसका? 1.61 into 10 raised power minus 69. Minus 69 ना? तकरीबन अलग totally? ठीक है, न्यूटन, ठीक है? शाबाश, तो ये लोग बोले। आपने क्या लिखा मुझे वो बताओ, 9 into 1.6 14.4 ना थी गूगल साढ़े ध्रुव ना ना अच्छी बेई करो मल्टीप्लाई 1.6 ये दो बार है ना स्क्वायर 20 into -20 okay see if I take the newtons में आ गया ना, आ गया ना दोनों forces है, तो यार अगर मैं ratio लूँ ज़्यादा कौन electrostatic है ना, अच्छा ना -29 शु -69 शु वायर ज़्यादा कूट बिल्कुल ratio ratio नहीं मुझे कोई f e by f g तलाबान क्या नहीं 23 × 10⁻²⁻¹ divided by 101 × 10⁻²⁻¹ तो आपका आंसर तो ऐसे का 23 डिवाइड बाय ये बता मतलब 0.02 × 10⁻²⁻¹ मुझे -29 प्लस ठीक है 69 बना 40 ऊपर जाएगा ना प्लस 40 हो जाएगा, अब यार ये दे दे इनको तो आएगा 2.2 आपको क्या करना है 2.2 × 10⁻³⁹ वो ना पूछते हिस्ट्री ना इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइड बाय एफ जी मैं यहां पे लिखू ये बात समझो दो चीजें हैं उनका मास करीब करीब गिना भी नहीं जाता उनका चार्ज करीब करीब गिना भी नहीं जाता लेकिन यह देखा जाता है कि उनके दरमियान बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻³⁹ टाइम्स ज्यादा है
एज कंपेयर टू क्यू. फर्क कहां पे है? बुझे दबा यो रे मास छु नेग्लिजिबल छु ना, चार्ज जो सुन छु सुच नेग्लिजिबल छु ना, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या जुदा ज्यादा है क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस और जोन में सेम है. क्योंकि अगर आप देखें यहां पर जी लगा हाँ. वो बहुत कम है माइनस 11 और यहां पे गामा लगा प्लस 9 फर्क ही है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तूफानिक फोर्स सेम स्पीशीज के दरमियान देखा ऑपरेट करता है वैक्यूम में भी थ्रू अ पार्टिकल कॉल्ड एज फोटोन. काचे बनान फोटोन जो अक्सु पार्टिकल जिसकी जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है ना बिटवीन यू एंड मी दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटॉन्स. और परसों मैंने हेड्रॉन्स बेरियॉन्स नहीं बोले आपको इधर पर जो पार्टिकल को तक ना ग्रेविटॉन क्या सुना जो फंडामेंटल पार्टिकल सु पार्टिकल जिसकी वजह से तेरे और मेरे दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटॉन्स की वजह से. किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा यू शुड एग्जिस्ट करा बिटवीन चार्ज एंड पार्टिकल यू शुड एग्जिस्ट करा बिटवीन नॉर्थ पोल साउथ पोल बिकॉज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज फोटोन. लेकिन बेटा जब आपने इस चीज को देखा तो यू उछान कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शुड 10^39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है किससे? ग्रेविटेशन फोर्स. अगर मैंने सेम स्पीशीज को लिया है ना तो हमें यह समझ आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा खतरनाक फोर्स है. छुना छुना खतरनाक. अगर कभी दुनिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की हमेशा किसकी बात करते हैं? ग्रेविटी. ग्रेविटी कम आप चुका कमजोर बेचुका ग्रहण रीजन इज बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक तब है जब चार्ज और दुनिया अल्लाह ने खुद न्यूट्रल बनाई मैटर इज न्यूट्रल देयर फॉर वी डू नॉट टॉक मच अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या चार्ज एट रेस्ट और चार्ज इज इन मोशन बिकॉज द फैक्ट इज इट इज द ग्रेविटेशनल वो हर जगह मास तो है लेकिन यस चार्ज हो सकता है लेकिन मसला यह है कि न्यूट्रलिटी की बात हो रही इसलिए वी डू नॉट टॉक अबाउट सच अ मैसिव फोर्स. दुनिया में चार फोर्स है बेटा जो फंडामेंटल फोर्स तो ऐसे शायद लैब में उसका इस तरह मून मोट क्या उस कुछ शाबाश चार फोर्स बेटा फंडामेंटल फोर्स है दुनिया के बाकी जितने भी फोर्स है ना वो उन्हीं से डिराइव जैसे विस्कस फोर्स है इसमें फंडामेंटल इसमें ग्रेविटेशन फोर्स क्या शो अच्छा ठीक इधर पर मिनट में चार फोर्स दुनिया में जो फंडामेंटल फोर्स है कुछ कुछ यस वी हैव गॉट द न्यूक्लियर फोर्सेस अच्छा ठीक वी हैव गॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वी हैव गॉट अनदर काइंड ऑफ फोर्स बेटा विच आर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट वन मोर फोर्स जो आपने आज देखा ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा ठीक ठीक है ये भी न्यूक्लियर मगर इट्स स्ट्रॉन्ग बहाव थोड़ा सा कंपैरिजन ये मैंने इस वक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की तो आपने रेशियो देखा कितना 10^10 लेकिन जब हम जनरल की बात करें जहां एक कूलम को एक कूलम के साथ ही इंटरेक्शन देखेंगे एक मीटर पर रख के और फिर एक यूनिट मास को एक यूनिट मास के साथ इंटरेक्शन देखेंगे कितनी दूरी पे एक मीटर की दूरी पे तब जो रेशियोज आते हैं वो रेशियोज एस्टॉनिशिंग. वी आर सीइंग दैट सबसे कमजोर फोर्स दुनिया में ग्रेविटेशन फोर्स सबसे कमजोर फोर्स मगर इसका रेंज बेटा इंफिनिटी तक जाता है. मैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका में जापान में मोहब्बत कर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन मगर यह यूता कमजोर फोर्स कि अगर बाकी से करो ना कंपैरिजन कंपैरिजन न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इट इज 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन योर ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें यहां पर लग रहा है 10^39 बिकॉज मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात लेकिन अगर करना 1 kg mass तथा जो अट्रैक्शन आपने मत कभी सुना होगा अल्फा डीके बीटा डीके सुना होगा आपने शायद बीटा पार्टिकल होते हैं आसान न्यूक्लियर फोर्स इनमें एक पार्टिकल जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है बेटा उसको न्यूट्रिनो कहते हैं क्या सुना उसमें बोल रहा होता है याद अगर होगा मैंने आपको बोला जो हमारे ना लेप्टॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स है याद छुआ तो उन म्योन्स है ताऊ है अच्छा ठीक तिमन छासन पानी न्यूट्रिनोस से होते
इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो, ताऊ न्यूट्रिनो, मियोनिक न्यूट्रिनो, याद है? तो वो न्यूट्रिनोज जो होते हैं बेटा वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। हाँ रेशियो भी बड़ा खराब, ये वीक है लेकिन ये 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, किससे? ग्रेविटेशन। और रेशियो जब लेते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स एक किसके लिए आता है, तो ये समझ रहा हूँ, यानी कि दुनिया की सारी को स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो, ये कहाँ होता है पता है? प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान, प्रोटॉन प्रोटॉन छोड़ रिपल्शन, यस दे अट्रैक्ट, सिखाया मैंने प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है, द फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स जो उनको पकड़ के रखता है। The exchange particle बोला है उस दिन pi mesons, कैसा आसान? It exists within the nucleus. Range छोटा है लेकिन ताकत बड़ी खतरनाक। Pi positive, pi negative बता देना ना उस दिन युकावा की बात की थी। Electromagnetic एक है, charges के दरमियान। Range अच्छा खासा है, nucleus से ज़्यादा size होना चाहिए, है ना? This exists within that 10^-50, लेकिन ये उससे ज़्यादा में exist करता है। Exchange particles are फोटॉन्स, क्या अच्छा सा अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, लॉन्ग रेंज है, कंजर्वेटिव है, ये सब आपको पता है। वीक न्यूक्लियस, ये जो आसान विद इन द न्यूक्लियस, जब एक प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर भागना चाहता है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आना चाहता है ना, बकर पन्ने कंट्राडे, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आना चाहता है, खबर याद छू मिशुन न्यूक्लियस के अंदर ये सब चीज, वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आना चाहता उसको बोलते हैं कोतु, दरवाजा जो फुट रहा हूं पकड़ रहा, पकड़ के रखता है उसको एक बंदा, उसको न्यूट्रिनो कहते हैं। मगर अग्रेज एनर्जी उससे ज्यादा है कि नहीं, समझ चला ना? अल्फा डिकेज, बीटा डिकेज हम देखते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल, न्यूट्रिनो। ग्रेविटेशनल फील्ड यस कमजोर है, लॉन्ग रेंज कंजर्वेटिव है, सेंटर है, वो सब बात है, बोली यस बेटा यहां पर जो है दैट इज द ग्रेविटॉन, ठीक चला एक्सचेंज पार्टिकल। तो आप देखिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं लेकिन बड़ा खतरनाक फोर्स, आर्म फोर्स, बट स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसलिए इसको समझने की कोशिश बड़े अच्छे से ही करना होगा, ठीक है? आई होप बेटा ये सब बातें क्लियर हो गई, इंशाल्लाह पगह पर एक बार सुपर पोजिशन एंड देन आई विल कम टू सम क्वेश्चंस, अच्छा ठीक, थैंक यू सो मच। सोचो पाना।